गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश वन, तो आप देख लीजिए इसमें हम क्या कर रहे थे। इसमें हमने लेसन नंबर फोर पढ़ा, रॉबिन्सन क्रूज़ो। तो रॉबिन्सन क्रूज़ो में हमने क्या किया था, रॉबिन्सन क्रूज़ो में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। तो आज हम बढ़ेंगे वोकैबुलरी सेक्शन में, ठीक है। तो देख लीजिए, आप भी अपनी बुक अपने पास रखिए और जैसा बताया जाए उसी तरीके से इसको फिल करिए। वोकैबुलरी हम कर रहे हैं ए पार्ट, देख लीजिए। फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन द अपोजिट ऑफ। आपने लेसन को पढ़ना है, लेसन में कुछ वर्ड्स आए हैं, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, देखिए। तो इसमें जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं हमें बुक में, इनके अपोजिट हमें कहाँ मिलेंगे, लेसन में मिलेंगे। कुछ वर्ड्स हमें यहाँ दिए हुए हैं करने के लिए सॉल्व, तो इन वर्ड्स के जो अपोजिट हैं वो हमें किस में मिलेंगे, लेसन में मिलेंगे। तो इसलिए हमें एक बार लेसन को रीड आउट करना है, रीड करना है, समझना है, और इनका जो अपोजिट है हमें बुक में वो फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए, पहला है लास्ट, दूसरा है वीकर, हैबिटेड फ्यू, स्लोली ब्लंट। तो अब आपको मैं इसे कॉपी में दिखाती हूँ। सबसे पहला काम डेट डालने का, फिर लेसन का नाम डालने का, फिर वोकैबुलरी, और पार्ट है ए, फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन द अपोजिट ऑफ लास्ट, ठीक है। विच मीन द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं उनको हमने ढूंढना है। तो बुक में जो हमें करने के लिए दिया था वो है लास्ट, और जब हमने लेसन पढ़ा तो हमें लास्ट का जो अपोजिट है वो बुक लेसन में क्या मिला, फर्स्ट। हमें दिया है वीकर, हमें लेसन पढ़ना है, मैंने भी लेसन पढ़ा, तो मुझे वीकर का जो अपोजिट है वो क्या मिला, स्ट्रॉन्गर। हैबिटेड हमें दिया है, तो हमने जब लेसन पढ़ा तो हमें उसमें मिल गया अनइनहैबिटेड, ओके। हमें दिया है फ्यू, जब लेसन पढ़ा मैंने तो मुझे मिल गया मैनी। स्लोली दिया है, तो जब लेसन पढ़ेंगे तो उसमें हमें मिल गया क्विकली। ब्लंट दिया है, ब्लंट मतलब होता है जो चीज़ तेज़ नहीं होती वो ब्लंट होती है, ठीक है। तो ब्लंट का अपोजिट हो गया, लेसन पढ़ा तो उसमें मिल गया शार्प, ओके। इसमें बी पार्ट भी मैं आपको करवा रही हूँ, मैच द कॉलम। तो देखिए इसमें नीचे देख लीजिए आप, मैच द कॉलम्स। तो देखिए इसमें आप मैच द कॉलम्स में पहला है शॉफर, शॉफर, मैसन, कारपेंटर, शेफ, मैकेनिक, सेलर, सर्जन। अब हमें इस साइड बी कॉलम में कुछ वर्ड्स दिए हैं, देखिए, सी मैन, यूजुअली अ मेल कुक, ड्राइवर, लेज ब्रेक, डॉक्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस, वन हु रिपेयर्स मशीनरी, पर्सन हु डज वुड वर्क। तो शॉफर मीन्स क्या होता है, शॉफर किसे बोला जाता है, शॉफर बोला जाता है जो किसी की गाड़ी चलाता है, तो इसका मतलब ड्राइवर, ठीक है। तो शॉफर को हमने किससे मिला देना है, ड्राइवर से। मैसन, मैसन कौन होता है, मैसन जो घर बनाने का काम करता है, तो लेज ब्रिक, ठीक है। कारपेंटर सबको पता है, कारपेंटर लकड़ी का काम करता है, तो उसको हम मिला देंगे पर्सन हु डज वुड वर्क। शेफ, शेफ जो खाना बनाता है, तो वो हो गया आपका यूजुअली या मेल कुक, उसको उससे मिला देंगे आप। मैकेनिक, मैकेनिक कौन है, पर्सन हु रिपेयर्स मशीनरी, ठीक है। सेलर मतलब सीमैन। सर्जन कौन होता है, डॉक्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस करते हैं डॉक्टर वो कहलाते हैं सर्जन। तो इसको आप इस तरीके से अपनी कॉपी में करिएगा और उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपका काम करने के लिए जो है वो यही है।